हेलो गाइस, वेलकम टू राजू स्पेशल आरसी टेक। तो देख, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए डेल लैटिट्यूड 3410 लैपटॉप, जिसका मदरबोर्ड यहाँ पे है और ये नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में है। ठीक है, तो कुछ मैं यहाँ पे दोस्तों एक्टिविटी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट हैं। और ये जितनी भी एक्टिविटी हैं, ये सारी 10th जनरेशन 12th जनरेशन जितने भी लैपटॉप हैं अपग्रेड वर्जन के या लेटेस्ट मॉडल के कह सकते हैं आप, उनमें सभी में ये डायग्नोस्टिक आपके काम आएगी। ठीक है, तो फर्स्टली चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारे पास डीसी मशीन है जिसमें कि 20 वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया, बट हमारा देखिए एम्पियर 6 एम्पियर दिखा रहा है। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पैनल है हमारा, इससे देखिए हमारा ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं इसमें वोल्टेज भी बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पैनल पे वोल्टेज आ रही है नहीं। तो मल्टीमीटर का यहाँ पे यूज कर लेंगे और मल्टीमीटर को 20 DC वोल्ट पे सेट कर लेंगे। ठीक है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट से आप यहाँ पे चेक कर लेंगे वोल्टेज। ठीक है, तो इधर दिखाओ, मल्टीमीटर में दिखाओ, तो देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद भी आपका यहाँ पे स्विच से ऑन नहीं हो रहा है। देखो, प्रेस करने पे हमारा ऑन नहीं हो रहा है। यदि ऑन होता तो हमारा यहाँ पे फैन भी चल जाता। और एम्पियर दिखाओ, एम्पियर भी देखो यहाँ पे, इधर डीसी पासवर्ड डाल के देखो। ठीक है, डीसी मशीन पे भी कोई एम्पियर अपडेट नहीं हो रहा है, केवल 6 दिखा रहा है, स्टिल है जो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। तो इधर आइए हम, और सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप वैसे भी टेस्टिंग कर सकते हैं आपका जितना भी यहाँ पे देखिए। HDFC नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको 100 करोड़ मिल रहा है, मिलता ही है, वोल्टेज दिखा रहा था। ठीक है, 500 करोड़ और बिल आता है वोल्टेज से, सही बोल रहे, बिल्कुल मिलता है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज भी आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है, और कभी आता है कभी नहीं आता है इस केस में। बट एम्पियर हमारा स्टिल है, 6 एम्पियर दिखा रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर केबल को निकाल के फिर चेक करता हूँ। तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं वोल्टेज। पैनल पे वोल्टेज आ रहा है बट हमारा, ठीक है, चलिए दोबारा कर लेते हैं पैनल पे चेक। तो देखिए हमारा पैनल पे वोल्टेज है बट यहाँ पे हमारा वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। और इसके बाद मैं आपको एक टेस्टिंग और बताऊंगा, जो यहाँ पे ये 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे बीप रेंज पे, इनको चेक कर लेंगे। ठीक है, 9.1 दिखा रहा है और शॉर्ट दिखा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बीप भी आ रही है। ठीक है, तो इस केस में आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये जो कैपेसिटर हैं ये केवल CPU से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी वही दिखा रहे हैं सेम, है ना। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, आपका यहाँ पे CPU से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यदि इसमें क्या है, देखो आप यदि सोचोगे कि मैं BIOS कर लूँ, तो मैं BIOS ऑलरेडी पहले अपडेट कर चुका हूँ और प्रोग्रामर के थ्रू मैंने इसमें BIOS भी प्रोग्राम की है, और इसकी साइट से डेल से जाके भी डाउनलोड की, और जो हमारे पास एक ग्रुप था अपना पर्सनल जो कि IT सेक्टर का होता है, वहाँ से भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके भी प्रोग्राम की है। बट कोई भी हमारा जो इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, बिल्कुल सेम पोजिशन रही है और सेम स्टेटस था जैसे एज इट इज़, जैसे पहले था ऐसी अभी भी है। तो इस केस में दोस्तों केवल मैंने ये फाइंड आउट किया है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है नॉट पावरिंग ऑन की, ये केवल आपका CPU से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, सबसे पहले यहाँ पे आप
वोल्टेज वगैरह चेक कर लें, उसके बाद आप बैक साइड जाएंगे, आप मदरबोर्ड की बैक साइड से, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो फिल्टर लगे हुए हैं, तो इनको आप यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेंगे। यदि आपका ये शॉर्ट होता है तो आप समझ जाइए आपका सीपीयू शॉर्ट है, अदरवाइज यदि कोई प्रॉब्लम और आती है, क्योंकि शॉर्टिंग वगैरह इसमें कहीं कुछ है नहीं पूरे सर्किट में, आप देखते हैं 3 पॉइंट और 5 वोल्ट और 19 वोल्ट कहीं भी, इसमें कहीं भी शॉर्टिंग इस तरह की नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपका नॉट पावरिंग केस में होता है कोई इस तरह का लैपटॉप, तो आप सबसे पहले इसमें सीपीयू वगैरह चेक कर लें और आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो आपको इस केस में केवल या तो सीपीयू रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर मदरबोर्ड आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना रिपेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, इसमें इस वीडियो में जानकारी आपको दी गई है। थैंक यू।